नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं बजरपात न्यूज़। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत संकल्प यात्रा हर एक पंचायत में जाकर लोगों को कराएगी अवगत। विजय से मोहन सिंह की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनके सरकार द्वारा पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर पंचायत में जाकर लोगों को प्रधानमंत्री की योजनाओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराएगा। उक्त बातें मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पश्चिम चंपारण के सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कही। प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। अगर उन्होंने कहा कि झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के ठिकानों पर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 250 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद हो चुका है और अभी भी रुपयों की गिनती जारी है। बरामद रुपयों की गिनती हेतु नोट गिनती के लिए 36 मशीनें लगाए गए हैं जिसमें कई फेल हो चुके हैं। जनता से जो लूट हुई है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब बेईमानों से पाई पाई वसूलने की गारंटी है। अगर एक कांग्रेसी सांसद के पास 250 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई तो बाकी सभी कांग्रेस सांसदों के पास कितनी नकदी होगी? इस हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार है। डॉक्टर जायसवाल आगे कहा कि घमंडी गठबंधन के नेता भारत की अर्थव्यवस्था, गरीबों की कमाई और नागरिकों के अधिकारों को दीमक की तरह खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, आप, टीएमसी सहित एनडीआई रेंस के दल आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। क्या कारण रहा कि 17 से 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके धीरज साहू को कांग्रेस ने 3री बार राज्यसभा सांसद बनाया? एक तरफ घमंडी गठबंधन है जहां भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर चंदपुरिया विधायक उमाकांत सिंह, भाजपा नेता विजय चौधरी, रवि सिंह आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बजरपात न्यूज। के कल्याण के लिए संकल्पित है और पूरे देश में गरीब कल्याण की योजनाओं को कार्यक्रम चलाने के लिए रस चल रहा है। मोदी ये गारंटी दे रहे हैं कि 2047 में हम एक विकसित भारत बनाएंगे। वही आज कांग्रेस के सांसद के फर्म से 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद होता है और वह उससे भी अजीब बात यह है कि 3 दर्जन मशीनें लगी हैं उस नोट को गिनने के लिए, फिर भी अभी तक गिनती पूरी नहीं हो पाई है। तृणमूल कांग्रेस की जो सांसदा महोदय थी, पूर्व सांसद, 2014 तक 1 रुपए भी इनकम टैक्स नहीं देती है 3 सालों में, उसके बावजूद 35 देशों की यात्रा करती हैं अपने पैसे से। यह बताता है कि जो पूरा ये इंडी गठबंधन है यह 10 वर्षों बाद भी भ्रष्टाचार छोड़ने को तैयार नहीं है और कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों पर्यायवाची शब्द हैं और इसमें शामिल जो भी पार्टियां हो, अभी तक तो रिकॉर्ड तेजस्वी यादव जी के नाम पे था कि 4.5 लाख रुपए में उन्होंने 150 करोड़ का मकान खरीदा है, अब वह रिकॉर्ड कांग्रेस के सांसद ने तोड़ दिया। ये झारखंड में जो इतनी बड़ी रकम बरामद हुआ है इसकी जांच गहराई से हो तो आज कहां कहां तक जा सकती है? सभी बातें निश्चित तौर पे खुलासा होंगे, जो भी इसमें सम्मिलित हैं जाहिर बात है उन पर कार्रवाई होगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार और झारखंड की सरकार एक शराब माफिया के द्वारा संचालित हो रही थी, चाहे वह हेमंत सोरेन हो चाहे वह भूपेश बघेल हो, दोनों ने मिलकर के पूरे झारखंड छत्तीसगढ़ इलाके में जो एक समानांतर शराब का कारोबार शुरू करवाया था, शराब की ऑफिशियल दुकानों में ही बहुत सारे बिना परमिट के शराब रहते हैं जिससे कि जो टैक्स का पैसा है वह व्यापारी ले और वह व्यापारी इन माननीयों को दे दे, उसी घोटाले का खुलासा यह हुआ।